इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ़ कॉल मार्क्स एंड हिस्स बेसिक इंट्रोडक्शन कॉल मार्क्स के बारे में आम तौर पर जो एक आम फहम जो नज़रिया है वो यही है कि कॉल मार्क्स का ताल्लुक उसकी जो माशी नज़रियात हैं उस कॉन्टेक्ट में उसको जाना जाता है ख़ास तौर पर कम्यूनिज़म के हवाले से उसका ताल्लुक बनाया जाता है लेकिन यहाँ आज के सेशन में हम कार्ल मार्क्स को एज पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट जानने की कोशिश करने वाले हैं इसमें जाहिर है कि हम फर्स्ट स्टेप पर वी वांट टू नो अबाउट हिज अर्ली लाइफ दैट ही वाज बोर्न इन 1818 एंड हिज पेरेंट्स एक्चुअली दे मूव अराउंड मैनी सिटीज सो हिज़ अर्ली चाइल्डहुड एक्चुअली गेव हिम अलाट ऑफ एक्सपीरियंसिस टूवर्ड्स द डिफरेंट पैटर्न ऑफ लाइफ दैन ऐट द एज ऑफ सेवेंटीन ही बिकेम अ लॉ स्टूडेंट और जब बॉर्न यूनिवर्सिटी में उसने लॉ में एडमिशन लिया देन डेफिनेटली आफ्टर गेटिंग दैट एक्सपीरियंस एक्चुअली ही लर्न अ लॉट अबाउट वेरियस डायमेंशन ऑफ सोशल लाइफ एंड द लिंकिंग लाइन्स बिटवीन द सोसाइटी एंड द अदर आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ और यहीं पर जब उसने बहुत ज़्यादा करीब से लोगों के बारे में जाना देखा तो उसके हल्के अहबाब में ऐसे लोग शामिल हुए जिनकी बाद में फिलोसॉफिकल जो डेवलपमेंट थी उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी को भी और मुश्तरका तौर पर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज दुनिया के अंदर उसने क्रिएट की हैं जिन्होंने ना सिर्फ एकेडमिक फील्ड के अंदर बल्कि हम अगर ये कहें के मौशी मैदान में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में कार्ल मार्क्स का नाम एक बहुत बड़ा नाम जो है समझा जाता है जिसमें उसकी अर्ली लाइफ ने उसकी एजुकेशन ने और फिर उसके पीयर ग्रुप्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रिटिकल है एटीन में कार्ल मार्क्स लेफ्ट पेरिस फॉर ब्रसल्स लेकिन यहाँ जो इम्पोटेंट बात है कि जब फ्रांस से ब्रसल्स uh, की तरफ जाते हुए जो uh, उसकी फ्रेंडशिप हुई है स्पेसिफिकली फ्रेडरिक एंजल्स के साथ इसने इसकी ज़िंदगी के अंदर जो चेंजेस इंट्रोड्यूस कराई हैं और इन दोनों का जो कोलेबोरेशन हुआ है उससे जो कार्ल मार्क्स की फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट हुई है कार्ल मार्क्स का uh, जो, की जो फिलॉसफी है टूवर्ड्स द इंडिविजुअल लाइफ एज़ वेल एज टू द सोशल रियलिटीज़ ऑफ लाइफ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर की जाती है और फिर इन द समर ऑफ 1845 फोटी फाइव कार्ल मार्क्स वेंट टू इंग्लैंड एंड दे ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी न्यू कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द जर्मन वर्कर्स एजुकेशनल यूनियन और फिर उसके साथ वहाँ सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए कार्ल मार्क्स ने जो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन किया है खास तौर पर द जर्मन आइडियोलॉजी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड द कैपिटल ये ये वो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन है जिसका सोशल इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ और जब हमने कार्ल मार्क्स को एज पॉलिटिकल सोशियोलॉजिस्ट इवेल्युएट हम करते हैं और हम ये देखते हैं कि आज की दुनिया के अंदर कार्ल मार्क्स की फ़िलासफीज की रेलिवेंस क्या है तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो सोशल ऑर्डर कार्ल मार्क्स ने अपनी किताबों में बहुत अर्सा पहले तहरीर किया वो पॉलिटिकल ऑर्डर जिस पर वो डिबेट करता है और सोसाइटी के अंदर जिन इश्यूज को हाई करता है कि क्यों इस उस वक्त जो टसल थी सोसाइटी में हमें यूँ लगता है कि वो आज की दुनिया की भी वही बातें हैं क्योंकि वो टसल जो कार्ल मार्क्स ने हाई की उन एलिमेंट्स में जिनके पास रिसोर्स मौजूद थे और वो लोग जो उन रिसोर्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो उस टसल के लिए जो जिस तरीके से उसने अपनी फिलोसॉफिकल डिबेट को लिंक किया विद द सोशल हार्ड रियलिटीज़ और जिसके अंदर इकनॉमिक फैक्टर कैसे रोल प्ले करता है क्योंकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते जब वो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना चाहते हैं तो उनके रास्ते में कौन से चैलेंजेस आते हैं So in this context, maybe we can say that Karl Marx is actually a true political sociologist who has, uh, who had properly analysed the social, economic, and political context of not only of his own time, but still his philosophies are relevant in the field of political sociology.